हेलो गाइस, आप सभी का बालक की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है तिल और मावे से रोल बनाना या बर्फी बनाना। आप इसे मकर संक्रांति या लोहड़ी के अवसर पर बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं मीठे में कुछ खास तिल और मावे से रोल या आज हम तिल और मावे से रोल तैयार करेंगे, वो भी बर्फी रोल बनाएंगे हम। ये हमने 250 ग्राम तिल लिए हैं, ये हमने वाइट तिल लिए हैं, और 200 ग्राम हमने मावा लिया है, और 200 ग्राम ही हमने ये गुड़ लिया है। गुड़ को हमने अच्छे से कूट लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है, और ये हमने बादाम और पिस्ते की कतरन ली है। तो आइए बनाते हैं तिल और मावे से रोल यानी बर्फी बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, अब मैं कढ़ाई के अंदर ये तिल डाल दूंगी और इन्हें मैं रोस्ट कर लूंगी तिल को। और इसे हम अच्छे से तिल को रोस्ट कर लेंगे। तिल को हमें स्लो गैस पे ही रोस्ट करना है, जिससे कि हमारे ये तिल ब्राउन कलर के ना हो। तिल हमारे रोस्ट हो चुके हैं, गैस को मैं बंद कर दूंगी और तिल को मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं तिल को ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब तक हमारे तिल ठंडे होते हैं, तब तक मैं इसी कढ़ाई के अंदर मावे को भून लूंगी। ये हमारा मावा भुन चुका है। और अब मैं इसी मावे के अंदर ये गुड़ डाल दूंगी। और इसे भी मैं पिघला लूंगी गुड़ को इसके अंदर। मैं इसे गुड़ से तैयार करूंगी। आप चाहे इसे चीनी से या बूरा से भी तैयार कर सकते हैं इस मिठाई को। गैस का फ्लेम मैंने तेज कर दिया है। अब इसी के अंदर मैं थोड़ी सी कतरन ड्राई फ्रूट की डाल दूंगी।
गुड़ और खोया हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे मैं 1-2 मिनट के लिए इसी प्रकार से पकाऊंगी। और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और गुड़ को और मावा को अच्छे से इसको मैं ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देती हूँ। और जब तक ये हमारा ठंडा होता है तब तक मैं ये तिल को मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लेती हूँ। तिल हमारे ठंडे हो चुके हैं, इसमें से मैं थोड़े से तिल बचा लेती हूँ। मैंने 2 मुट्ठी के आसपास तिल बचा लिए हैं। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, अब मैं इस जार के अंदर ये तिल डाल दूंगी और इन्हें मैं बारीक पीस लूंगी। और ये हमारे तिल अच्छे से पीस चुके हैं। और इधर हमारी ये कढ़ाई का पेस्ट भी ठंडा हो गया है, ये गुनगुना सा है। अब मैं इसी के अंदर ये पिसे हुए तिल डाल दूंगी। कढ़ाई को मैं गैस से नीचे उतार लेती हूँ और इसे अब मैं मिक्स करूंगी। गुड़ अब भी हमारा गुनगुना सा गरम है। और ये हमारा तिल और गुड़ और मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये ठंडा भी होने लग गया है बिल्कुल। जितना ये ठंडा होता जाएगा उतना ही ये जमता जाएगा। अब मैं इसे एक साइड में रख देती हूँ। ये मैंने एक फॉइल पेपर लिया है, आप चाहे पॉलिथीन भी ले सकते हैं, बटर पेपर भी ले सकते हैं। अब मैं फॉइल पेपर पे थोड़ा सा घी डाल लूंगी, आप चाहे ऑयल भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ घी का प्रयोग कर रही हूँ। इसे हाथ से अच्छे से फैला लूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से तिल डाल लूंगी। और थोड़े सी मैं ये ड्राई फ्रूट की कतरन भी डाल लूंगी इस पे। पेस्ट तैयार किया है, ये पेस्ट को मैं हाथ की मदद से इस पे डाल दूंगी। और इस पे मैं थोड़े से तिल और डाल दूंगी, जो मैंने 2 मुट्ठी तिल बचा रखे थे। और इसे बेलन की मदद से बेल लूंगी मैं। अब मैं इस रोल को इस प्रकार से घुमा दूंगी, इस प्रकार से घुमा लूंगी इसे मैं। अब मैं इस पे ये ड्राई फ्रूट और डाल दूंगी। और थोड़े से तिल भी डाल दूंगी मैं साथ में ही। और इसे मैं फिर से बेलन से एक बार और मार देती हूँ मैं बेलन को। और अब मैं इस रोल को इकट्ठा करूंगी, अब मैं इसे हाथ की मदद से रोल कर लूंगी। इस प्रकार से घुमाती जाऊंगी धीरे धीरे से। ये देखो कितने अच्छे से हो रहा है रोल। रोल डालती जाऊंगी मैं।
और ये हमारा रोल। बढ़िया से हो गया है। मैं इसे थोड़ा सा पतला और करूंगी रोल को हाथ से, और इसके दो भाग कर दूंगी मैं रोल के। ये मैंने फॉइल पेपर और लिया है और एक रोल को मैं इसमें लपेट के रख दूंगी। और दूसरे रोल को मैं इसी में लपेट दूंगी। और इन दोनों रोलों को मैं फ्रिज में 1 घंटे के लिए सेट होने के। तो आइए अब हम अपने रोल की कटिंग कर लेते हैं। एक एक करके रोल खोल लेंगे हम और इसको चाकू की मदद से कट कर लेंगे। और इसी प्रकार से मैं इस दूसरे रोल की भी कटिंग कर लूंगी। और ये हमारी तिल और मावे की बर्फी कटकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इस प्लेट में इसको सर्व कर दूंगी। ये देखो कितने अच्छे से रोल बनके तैयार हुए हैं हमारे। ये हमारे तिल और मावे के बर्फी यानी रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।